नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। आज हम बात करेंगे योग दर्शन की और कोशिश करेंगे अगले 5 मिनट के अंदर योग दर्शन को जानने की। महर्षि कपिल ने सबसे पहले पूरी दुनिया को यह समझाया कि प्रकृति और पुरुष, या मैं कहूँ आपके शरीर और आपकी आत्मा, इसमें क्या संबंध है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। महर्षि कपिल ने इस चीज को शुरू तो कर दिया, लेकिन महर्षि पतंजलि ने अपने समय में आकर यह समझाया किस तरह से हम इस शरीर और इस चेतना को जान सकते हैं, नियंत्रण में कर सकते हैं, और इसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार की शक्तियां भी शरीर में पैदा कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि को कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले योग दर्शन के बारे में दुनिया को समझाया। अगर इसको मैं सही करूं तो मैं कह सकता हूं महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले योग दर्शन का संकलन किया या उसको कंपाइल किया। योग दर्शन कोई महर्षि पतंजलि या महर्षि कपिल का दर्शन नहीं है। योग दर्शन दुनिया का सबसे पुराना दर्शन है। ये एक ऐसा दर्शन है जिसके बारे में आपके वेद, भगवद गीता, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सभी के अंदर इसका वर्णन देखने को मिलता है। महर्षि पतंजलि ने समझाया किस तरीके से हम चित्त या चेतना की बात करते हैं। यह चेतना का जो विषय है वो बिल्कुल वैसा ही था जैसे महर्षि कपिल ने अपने दर्शन के अंदर पुरुष का विषय बताया था। महर्षि पतंजलि ने समझाया यहाँ पर कि प्रकृति और पुरुष के रूप में शरीर और आत्मा या शरीर और चेतना एक साथ रहती है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए इस चेतना को जाना जाए, शरीर के माध्यम से इस चेतना को जाना जाए, क्योंकि शरीर ही हमारा माध्यम बन सकता है। महर्षि पतंजलि ने कहा कि जिस तरीके से हम इस भौतिक संसार में रहते हैं तो हमारी चेतना के अंदर कुछ कुछ तरह की अशुद्धियां आ जाती है, जिसको मैं चित्तवृत्ति कहता हूँ। जैसे ही अशुद्धियां खत्म होती है, मैं जान जाता हूं कि मैं क्या हूं, पुरुष ये जान जाता है कि मैं क्या हूं, उसी वक्त उसी चित्तवृत्ति निरोध को योग कहते हैं। योग को लोग अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं योग का तात्पर्य है जोड़ना, लेकिन महर्षि पतंजलि कहते हैं योग का तात्पर्य है प्रयत्न करना, कोशिश करना, एफर्ट्स करना। किसके लिए एफर्ट्स किया जाए? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं एफर्ट्स करना है पुरुष को, खुद को जानने के लिए एफर्ट्स करना है। मेरी चित्त की जो अशुद्धियां हैं, जो वृत्तियां हैं, जो गलतियां हैं, जो नासमझी है, जो अज्ञानता है, इसको दूर करने के लिए मुझे एफर्ट्स करने हैं, उसके दूर करने के लिए मुझे प्रयत्न करने। और अगर मैं ये प्रयत्न करता हूं तो इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे मिलेगा अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों का मार्ग मुझे मिलेगा जिस पर रहकर ही मैं ये कर सकता हूं, जिसके अंदर 5 मार्ग आपके शरीर से संबंधित हैं और आखिरी के 3 मार्ग आपकी चेतना से संबंधित हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 वो हैं जो शरीर संबंधित गतिविधियां हैं। और उसके बाद आता है आपका धारणा, ध्यान और समाधि। ये आपके शरीर की नहीं, ये आपकी चेतना की गतिविधि है। इट मीन्स 5+3, ये जो रेशियो है ये शरीर और आत्मा को संयमित करने के लिए बनाया गया था। इसके द्वारा हर एक व्यक्ति यह जान सकता है कि मैं क्या हूँ। योग दर्शन आपको फिजिकली फिट करने के लिए नहीं बनाया गया था। हमें लगता है कि योग दर्शन हमें शारीरिक रूप से फिट करने का एक माध्यम है, ऐसा नहीं है। योग दर्शन आपको आपके साथ जोड़ता है। योग दर्शन व्यक्ति को वर्तमान के साथ जोड़ता है। योग दर्शन आपकी चेतना को जागृत करता है। योग दर्शन आपको अवेयरनेस देता है। योग दर्शन आपको सक्षम बनाता है। हाँ, हो सकता है इस पूरे रास्ते पर चलते हुए मेरा शरीर भी फिट हो जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन योग दर्शन का तात्पर्य, योग दर्शन का लक्ष्य, योग दर्शन का अर्थ आपको शारीरिक तंदुरुस्ती देना नहीं था। योग दर्शन आपको मानसिक शांति देता है, मानसिक तंदुरुस्ती देता है। उसका लक्ष्य शरीर नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। योग दर्शन कपिल के, महर्षि कपिल के सिद्धांत पर चलने वाला दर्शन है, जो प्रकृति की नहीं पुरुष की बात करता है, चेतना की बात करता है, आत्मा की बात करता है। तो यहाँ पर जब हम आत्मा के पास जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ। उस वक्त आपको प्राप्ति होगी कैवल्य की, जब केवल और केवल आप खुद ही बचेंगे, आप ही सब कुछ होंगे, आप ही निर्माता होंगे, आप ही पालन करने वाले होंगे और आप ही संहारक होंगे। तब आपको समझ में आएगा अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो चेतना हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। योग दर्शन दुनिया का सबसे प्राचीन, दुनिया का सबसे अनूठा दर्शन है, लेकिन वर्तमान में विडंबना यह है
कि योग दर्शन की जो गरिमा है, योग दर्शन का जो महत्व है, जो वास्तविकता है, वो केवल शारीरिक तंदुरुस्ती भर रह गई है। उसका लक्ष्य कहीं भी मानसिक तंदुरुस्ती दिखाई नहीं देता है। यह बहुत बड़ी विडंबना है, यह हमारी बदकिस्मती है। धन्यवाद।